जय श्री कृष्ण। तीक्ष्ण दष्ट महाकाय कल्पांत दनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम मनुज्ञाम दातुमर्हसि ओम भैरवाय नमः। शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज की तारीख है 24 अगस्त 2024 विक्रम संवत 2081 शक संवत है 1946 शरद ऋतु है। पूर्णिमांत वालों के लिए भाद्रपद मास और अमांत के लिए श्रावण मास। कृष्ण पक्ष है। आज की तिथि है पंचमी तिथि। पंचमी तिथि प्रातः 7:53 तक रहेगी। आज का वार है शनिवार। आज का नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र जो है वो शाम को 6:07 तक रहेगा। अश्विनी नक्षत्र का वृक्ष है कोचिला। आज का योग है वृद्धि योग, जो रात्रि 3:07 तक रहेगा। आज का करण है गर करण, जो शाम को 6:39 तक रहेगा। आज का मुंबई का सूर्योदय है प्रातः 6:23 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:58 पर। आज मुंबई का चंद्रोदय है रात्रि 10:26 पर और चंद्रास्त है प्रातः 10:46 पर। आज मेष का चंद्रमा रहेगा पूरे दिन और मेष का वृक्ष है आंवला। आज का अभिजीत का मुहूर्त रहेगा 2:12:15 से 1:05 तक। आज राहु काल का समय है प्रातः 9:31 से प्रातः 11:05 तक। आज दिशा सूर्य पूर्व दिशा में रहेगा। ये जो आपको वृक्ष बताए हैं नक्षत्र के हिसाब से अश्विनी का कोचिला और राशि के हिसाब से आंवला है, तो जिनको भी ज्ञान है कि आपका नक्षत्र क्या है जन्म का और राशि क्या है, तो इन वृक्षों की आप पूजा करें, इनको जल चढ़ाए, इनके आशीर्वाद प्राप्त करें। ये जो हमारी मुहिम है पर्यावरण के लिए, उसके लिए हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि अपने जन्म नक्षत्र राशि नक्षत्र के अनुसार जो भी आपका वृक्ष है उसका रोपण करें और उसका संवर्धन करें। आज के व्रत और त्यौहार। आज अश्वत्थ मारुति पूजन है। अश्वत्थ मतलब पीपल की पूजा करनी है और मारुति मतलब हनुमान जी की पूजा करनी है। यदि दोनों ही एक जगह है तो दोनों की पूजा करें, आज का दिन उनके लिए है। आज षष्ठी क्षय तिथि है, यानी षष्ठी तिथि नहीं होगी। क्षय तिथि कब होती है? जब कोई भी तिथि किसी भी सूर्योदय को स्पर्श नहीं करती है तो उसे क्षय तिथि कहते हैं। आज रांधन छठ है। आज आसाम में माधव देव तिथि मनाई जाएगी, हमारे भारत के पूर्वी राज्य आसाम में। आज रवि योग है, जो प्रातः जो शाम को 6:07 से शुरू होगा। आज शुक्र ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जो रात्रि 1:18 पर शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जो उसकी नीच राशि मानी गई है। आज भद्रा अर्धरात्रि उपरांत 5:32 से शुरू होगी। आज हल चंदन षष्ठी है, अर्थात आज ऊब छठ है, यानी पश्चिमी राजस्थान में शिमाली ब्राह्मण और अन्य जातियां भी ऊब छठ करती है और जहां जहां भी भारत भर में पूरे जो है विश्व में जहां भी शिमाली ब्राह्मण निवास करते हैं वे ऊब छठ का व्रत करते हैं। ऊब छठ का अर्थ होता है शाम को संध्या के समय स्नान करके वस्त्राभूषण पहन करके पारंपरिक वेशभूषा में, और फिर ये संकल्प करते हैं कि जब तक हमको चंद्र का दर्शन नहीं होगा तब तक हम खड़े रहेंगे, यानी बैठेंगे नहीं। तो इस प्रकार से खड़ी रहती है महिलाएं, मंदिर जाती है, दर्शन करने जाती है, जो है गरबा लेती है और भी जो उनको जो अच्छा लगता है लेकिन करती है, परंतु वो बैठती नहीं है, इसलिए इसको ऊब छठ कहा गया है। तो मुंबई का चंद्रोदय होगा रात्रि 10:26 पर। अलग अलग स्थान का चंद्रोदय के समय में 2, 5, 10 का अंतर हो सकता है। वो अक्षांश और रेखांश पर निर्भर करता है कि कहां पर किस स्थान पर कब चंद्रमा होगा।
आप उसको जान सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमारे गांव में, हमारे शहर में चंद्रोदय कब होगा। तो उसके बाद जब चंद्र दर्शन होगा, उस दर्शन करने के बाद ही वे जो है महिलाएं, वह व्रत खोलती है, यानी प्रसाद ग्रहण करती है। आज के दिन इतना ही। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।